सर वो एक वहीं बैठो, उधर आ जाओ। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग के चैप्टर कुछ और आ रहा है इसके अलावा, सेल्स और टिश्यूज के अलावा कोई और चैप्टर आ रहा है किसी का? सेल और टिश्यू के अलावा किसी का कोई और चैप्टर आ रहा हो तो बताओ। मतलब इतना ही आ रहा है ना, बस इससे अलावा तो नहीं है सिर्फ? ठीक है ठीक है। थैंक यू। सेल में किसी को कोई डाउट है? हाँ बताओ, पहले डाउट्स पूछ लो, बोलो बोलो। सेल वॉल में जो ये वाला उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पहले बताओ? एंडोसाइटोसिस? नहीं, एंडोसाइटोसिस ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। भाई एक डाउट आया है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? तनिष बताओ व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, सिंपल टर्म में बता दो जैसे ही आता है। बुक नहीं है साइंस की? बुक मत ढूंढो, ढूंढो ऊंडो नहीं, जल्दी बताओ प्लाज्मोलाइसिस क्या प्रोसेस है? हाँ बताओ। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। कंप्लीटली अगर देखो क्या होता है, ये है सेल वॉल, सपोज दिस इज सेल वॉल, दिस इज दी सेल। ठीक है, ये नॉर्मल प्लांट सेल की बात होती है, प्लाज्मोलाइसिस आपका प्लांट सेल में है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन दिस, ये अंदर वाला नॉर्मल सेल है। ठीक है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है दिस इज दी सेल वॉल, आउटर पार्ट सेल वॉल। अब क्या होगा, इसके अंदर जब वॉटर आएगा तो क्या होगा, इट विल स्वेल अप। ठीक है, हायर वो लोअर कॉन्सेंट्रेट, वो कहाँ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल गेट स्वेल्ड। ठीक है, अब इसे अपना कंट्रोल तो है नहीं, क्योंकि तुम लोग पानी देते रहोगे इसे टाइम टू टाइम, इसे खुद का कंट्रोल तो है नहीं इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये स्वेल अप होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। ठीक है, इस तरह तो क्या होगा, अगर इसमें सेल वॉल नहीं हुई तो एक टाइम क्या आएगा, इट विल गेट बर्स्ट, फट जाएगा ये। तो क्या होगा, ये सेल वॉल से जाके, यानी इफ दिस इज द सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, स्वेल अप हुआ तो ये इतना ही आएगा सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इतने में ये सेल वॉल इसको रोक लेगी, फिर उसके बाद इट विल गेट अवे, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद यहाँ का वाटर आउटर चला गया, यहां से हटेगा, ये श्रिंक होगा तो सेल वॉल से अब ये दूर जाएगा ऐसे, यानी सेल वॉल तो अपनी जगह पे ही है, अभी ये फूला हुआ था, ये श्रिंक हुआ। ठीक है, स्पेस आ गया दोनों के बीच में, सो दिस इज योर प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, ये प्लाज्मोलाइसिस है, यही है। बुक का एक बार देख लेते हैं, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू आउट थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल।
श्रिंक होने की वजह से इट विल गो अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. उस टाइम पे नहीं, सिर्फ उस श्रिंकेज के टाइम पे, ठीक है. वो तो उसका एक नॉर्मल प्रोसीजर है स्वेलअप होना, तो ठीक. वो अपनी सेल वॉल से अब दूर जा रहा है, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक. एक मिनट करेंगे, ठीक है. थैंक यू. एक बार पूरा चैप्टर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. सर किसने ढूंढा था? रॉबर्ट हुक. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. लिविंग सेल किसने ढूंढा था? ल्यूवेनहॉक. लिविंग सेल ल्यूवेनहॉक ने. उसके बाद न्यूक्लियस किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है. देन प्रोटोप्लाज्म पर्किंजी, ठीक. सेल थ्योरी किसने दी? शीडन एंड शॉन ने, ठीक है. चलो ये तो बेसिक थे, ठीक. अब उसके बाद सेल थ्योरी में क्या क्या बताया था, कुछ पता है? सेल थ्योरी में उन्होंने क्या क्या बताया था? ठीक है, हाँ. एंड सेल्स ऑलवेज गेट डिवाइडेड अप. सेल में हमेशा सेल डिवीजन होती रहती है फ्रॉम दी ओल्ड सेल्स, ठीक है. नए सेल हमेशा बनते रहते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने दी थी. दिस वॉज दी द सेल थ्योरी कि सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है. सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपैंडेड बाय दिस रुडोल्फ विर्चौ, पर इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है. मेनली यही है हमारे. मॉडिफाइड सेल थ्योरी वो इस टर्म में सेल प्रिंसिपल. इसमें क्या दिया? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले से जो सेल्स हैं उन्हीं सेल से आपका सेल डिविजन होकर नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक. All cells are basically alike in chemical composition and metabolic processes. That means cells की shape and size differ करते हैं according to their functions. ठीक है? अपने अपने function के according उनकी shapes होती हैं. Largest cell of the body. Nerve cell. ठीक है? Neuron. RBC की life कितनी होती है? 120 days. WBCs का दूसरा नाम, RBCs का दूसरा नाम, एरिथ्रोसाइट्स. WBC ल्यूकोसाइट्स, ठीक है. WBCs आर ल्यूकोसाइट्स एंड RBCs are erythrocytes, ठीक है. ये erythrocytes हैं और वो WBCs are leukocytes, ये उनके दूसरे नाम है. और कुछ cells से related इसमें smallest cell RBCs. अगर male का पूछें तो sperm. फीमेल में लार्जेस्ट होगा फीमेल का, ठीक है. ओवा बिगेस्ट कहोगे उसको, लार्जेस्ट तो सब में न्यूरॉन ही है, ठीक है. तो चलो
इसमें कोई मतलब नहीं है तुम लोगों का हो गया। सेल के नंबर ये तुम लोग पता है, सेल के नंबर के अकॉर्डिंग कैसे डिवीजन है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेल नंबर्स वी आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। चल तो वी आर मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर कौन है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे बैक्टीरियाज आर ऑल यूनिसेलुलर, दे ओनली हैव सिंगल सेल। What is the process called if a cell changes its shape according to the nature? And if a cell has the ability to change its shape to intake food? Endocytosis. किसकी help से लेता है वो food inside? Pseudopodia. Pseudopodias are the false foods. ठीक है? अरे अब सेल प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक, व्हाट आर प्रोक्रियोटिक, दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें न्यूक्लियोइड्स के फॉर्म पे होता है, न्यूक्लियोलस के फॉर्म में, ठीक है। एंड यूक्रियोटिक हैज द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ज्यादातर प्रोक्रियोटिक आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि सारे यूनिसेलुलर प्रोक्रियोटिक हैं, नहीं, बट सम, बट ऑल प्रोक्रियोटिक्स आर यूनिसेलुलर, ये कहोगे कि जितने भी तुम्हारे प्रोक्रियोटिक्स हैं ये सारे यूनिसेलुलर हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे दीज ऑल आर प्रोक्रियोटिक। यूक्रियोटिक में बात करें तो यूक्रियोटिक में भी देख रहे हो आप लोग यूनिसेलुलर यहां पर भी प्रेजेंट है, ठीक है, यूनिसेलुलर यहां पर है। मल्टीसेलुलर, यहाँ पे अगर बात करूं यूनिसेलुलर की तो यूक्रियोटिक में अमीबा इज द बेस्ट एग्जांपल, रीजन उसका सारा न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, ठीक है। मल्टीसेलुलर की बात करें तो यू हैव प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, मल्टीसेलुलर हैं हम सारे। प्रोक्रियोट्स का हाँ, उनके में कुछ जब कुछ ढंग से डिफाइंड ही नहीं है तो उनका सब कुछ सिंगल ही है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का इतना कुछ नहीं है। डिफरेंसेस देख लो, प्रोक्रियोट्स के डिफरेंसेस प्रिमिटिव हैं, इनकम्प्लीट हैं, यू कैन से, ठीक है, इनकम्प्लीट सेल्स हैं, एंड ये सारे एडवांस, इनको एडवांस क्यों बोला गया, बिकॉज दे चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ये अपने आप को चेंज करते हैं, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनकी क्रोमोटिन, क्रोमोसोम्स, क्रोमोटिन मटीरियल सब कुछ वेल डिफाइंड है इनका, ठीक है, दैट इज वाई ये क्या है, एडवांस एंड कंप्लीट सेल्स हैं, दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो, ठीक। प्रोक्रियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना, दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर एंड दे आर यूनि एंड मल्टी बोथ। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है उसके अंदर इसको, यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ये सब होते ही नहीं है, ऑफ कोर्स जब कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है, कोई भी किसी में मेम्ब्रेन ही नहीं है तो कोई वेल डिफाइंड इनके ऑर्गेनेल्स भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर सब कुछ तुम्हें दिखता है सारा चीजें। राइबोसोम्स कैसे होते हैं इनके, इनके राइबोसोम्स आर स्मॉलर और इधर उधर फैले हुए होते हैं, कुछ भी इनका मतलब डिफाइन नहीं है, सब कुछ इधर उधर जितरा पितरा घुमा हुआ है। तो राइबोसोम स्मॉलर होते हैं एंड दे आर रैंडमली स्कैटर्ड, वेयर एज इनमें क्या है, राइबोसोम्स आर बिगर, दे आर आइदर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर फाउंड फ्री, ठीक है। आरईआर, आरईआर रफ क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन्स राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर द डैश फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है। The prokaryotes include archaebacteria, bacteria, ये सारे इनके नाम है, ठीक है, ये सारे examples हैं और यहाँ पे इसके examples हैं, ठीक। अब structure of cell की बात करें, structure of cell में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारा सामान, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो सेल हैज थ्री कंपोनेंट्स, दैट आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और उसके बाद जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनेल्स आते हैं दीज आर ऑल इनसाइड द
साइटोप्लाज्म, ये सारा कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। नाउ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो दिस इज दी, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटीरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल, सिर्फ उनका ही अलाउ करते हैं, अदरवाइज कुछ और नहीं एंट्री होने देते। कैसी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके फीचर देख लेना, लिविंग है, थिन है, ठीक है, पोरस है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, इलास्टिक है, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तो पता ही है तुम लोगों को, फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, यहाँ बताया था डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, सबसे पहले ओस्मोसिस करते हैं, व्हाट इज ओस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सम मेम्ब्रेन, ठीक है, देयर इज अ मेम्ब्रेन बिटवीन देम। यहाँ पर डिफ्यूजन के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर भी हायर टू लोअर ही जाता है, बट देयर इज नो मेम्ब्रेन बिटवीन देम, ठीक है, डिफ्यूजन के टाइम पे देयर इज नो मेम्ब्रेन बिटवीन देम, ठीक। और यहां पर क्या होता है, देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिटवीन देम। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा क्या दिया था उस टाइम पे, याद है किसी को एग्जांपल किस चीज का दिया था, इस पे रेजिन का दिया था, ठीक है, रेजिन से इसको याद रखना हमेशा, बिकॉज रेजिन की जो कवरिंग होती है इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली योर मेम्ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल मेम्ब्रेन का काम करती है वो रेजिन किशमिश। अब डिफ्यूजन और ओस्मोसिस समझ आ गया, हमेशा ही मूवमेंट कहां से कहां होता है, ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर, चाहे वो गैशियस कंटेंट हो या फिर वॉटर कंटेंट हो, कैसा भी कंटेंट हो, इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक थे। हाइपोटोनिक कब होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से यहाँ पे हर बार दो बार टेस्ट लिया है, दोनों बार इनके डिफरेंसेस पूछे हैं, डिफरेंसेस में दोनों बार कमी लोगों ने ठीक ठाक आंसर दिए, ठीक है। तीन डिफरेंसेस अच्छे से तुम लोग याद कर लो कि हाइपोटोनिक टाइम पे क्या होता है, जाते तो सारे ही हायर टू लोअर हैं, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू वर्ड्स, लेकिन तुम्हें ये लिखना है कि आउटर इनर से आउटर जा रहा है या आउटर से इनर आ रहा है, ठीक है, ये लिखना है। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर, तो यानी कि यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो पहले मूवमेंट लिख देना कि इनवर्ड टू, वो सॉरी आउटर टू इनवर्ड हो रही है, इस टाइम पे सेल विल स्वेल अप, दो पॉइंट हो गई है, और ऐसे को क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस, हो गए तीन पॉइंट, ठीक है, एक तो मूवमेंट, एक उसको क्या बोलते हैं और सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्वेल होगा या श्रिंक होगा, ये लिखना है बस। सेम उसी तरह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो बता दो, हाइपरटोनिक में क्या होगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, सेल विल श्रिंक एंड दिस इज कॉल्ड योर एक्सोस्मोसिस, ठीक है। आइसोटोनिक सबसे इजी, कुछ होता ही नहीं है इसमें, जैसा है वैसी रहेगा, देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, नो इफेक्ट इन द साइज ऑफ द सेल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट कुछ भी नहीं है, नो अदर नेम इज गिवन, दैट्स इट, आइसोटोनिक है बस। सेल वॉल, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, इट इज नॉट इन अस। तो प्लांट सेल इट देयर इज अ रिजिड सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसी होती है, इट इज नॉन लिविंग, कैसी होती है, ये थिक होती है, नॉन लिविंग होती है, परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज, किससे बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, किस चीज से बनी होती है आपकी सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक। इट इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और सेलुलोज क्या है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, यू कैन से पॉलीसैक्राइड, सैक्रीन, सुनिए सैक्रीन, सैक्रीन आपके शुगर का एक फॉर्म होता है, ग्लूकोज, मीठा होता है ये, ठीक है। लेकिन आपने देखा कभी चीनी बहुत ज्यादा देर तक रखे रहो तो वो कैसे हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो यहाँ पर यही काम करता है, ये उतना ही उसे सॉलिडिफाई कर देता है, ठीक है। तो ये पॉलीसैक्राइड है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द
प्लांट। प्लांट को कैसे स्ट्रेंथ देती है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है एंड प्रोटेक्ट दी सेल फ्रॉम दी आउटर इंजरीज ऑल्सो, ठीक, और उसको बर्स्ट होने से भी बचाता है। ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल ये रहे, ये देख लो फंक्शन ऑफ द सेल वॉल क्या है। प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन इंटरनल स्ट्रक्चर्स, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है। ड्राइंग ऑफ द सेल नहीं होने देता, सेल को सूखने नहीं देता, यानी पानी ज्यादा बाहर आउटर में नहीं निकलने देता उसका। हेल्प्स टू बेयर अनफेवरेबल कंडीशंस एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म पे चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है आपका? इट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड योर कंप्लीटली प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है क्या? ऑल सेल कंटेन जितने सारे, इट इज अ कलरलेस जेली, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हारा जो ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है? अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये भी जेली शेप में ही होता है, जेली की तरह ही होता है। तो ये पूरा जो जेली स्ट्रक्चर है ये सारा आपका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन टू फॉर्म्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो पार्ट जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है, सराउंड करता है, एंड न्यूक्लियस तो आपको पता ही है अंदर के साइड, ठीक है। साइटोप्लाज्म द पार्ट ऑफ द सेल विच अकर्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एनवेलप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस चीज को बार बार लिखा हुआ है। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या है वो देख लो। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोसोल होता है ये आपका। साइटोसोल प्लांट्स में क्या काम करता है? साइटोसोल प्लांट्स में क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट की डिस्क, यहीं पर सारी सेट होती है उसकी साइटोसोल में। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड कंसिस्ट ऑफ साइटोसोल। साइटोसोल आपका क्या है? साइटोसोल के अंदर आपके सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपके सेल ऑर्गेनेल्स साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। वेस्ट स्टोरेज वगैरह भी यहीं पर है। आपका वेस्ट कौन है? स्टार्च, लिपिड्स, ये सब भी यहीं पर स्टोर है, ठीक है, साइटोसोल के अंदर। इनसॉल्यूबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स। अच्छा, इनसॉल्यूबल वेस्ट को नहीं बोला, स्टोरेज प्रोडक्ट्स आपके ये हैं, स्टार्च एंड लिपिड्स, ये स्टोर करता है, ठीक है। वेस्ट अलग है। केमिकली साइटोप्लाज्म में कितना कितना क्या है ये आपको पता ही चल गया है। लिपिड्स कितने हैं, वाटर कितना है, 90% वाटर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। 7% प्रोटीन्स, 2% कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड 1% बाकी चीजें रिमेनिंग अदर्स कर सकते हो उसको। ये करा दिए थे। तो जल्दी बड़ा हो गया। चलो अब सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं। किसके अंदर होंगे ये? साइटोसोल के अंदर होंगे ये, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स आर देयर, ठीक है। इसको इतनी नींद आ रही है ना, इसको तुम्हें नहीं, इसको ये भाई साहब आगे वाले। अ सेल हैज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के होते हैं, SER एंड RER। RER वाला इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मॉल SER इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन ये आ सकता है, सबसे पहला रफ वाला रफ क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन्स राइबोसोम्स इन इट। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है SER से के SER का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, याद है किसी को? डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजनस सब्सटेंसेस। अगर आप बॉडी में कुछ इनटेक कर लेते हो पॉइजनस चीज, तो SER उसको अपने आप पहले तो खत्म करने की ट्राई करता है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में ले लिया है तब कहीं जाके वो फिर खुद ही बेचारा हार मान लेता है।
तो ऑफ कोर्स ये चीज तुम्हें पता है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में ये होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ढंग के होते ही नहीं है, वैसे भी इनमें एब्सेंट है ये, ठीक है। और किसमें नहीं होता? आरबीसीज में भी नहीं होता, मेच्योर आरबीसीज में नहीं होता, जो मेच्योर आरबीसी, क्योंकि अब वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। मेच्योर तब होते हैं जब वो खत्म होने के कगार पे आ जाते हैं, तो इन पे भी ये नहीं प्रेजेंट है। ईआर अकर्स इन थ्री फॉर्म्स, कैसे कैसे आप लोगों ने देखा ही था ईआर के फॉर्म कैसा था, कुछ ऐसा था, इस शेप में होते हैं ईआर्स, ठीक है, ट्यूबुलर सिस्टम फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर ईआर इज ऑफ टू टाइप, आर ईआर एंड एसईआर, ये मैंने बता दिया आपको। एसईआर वाला स्मूथ क्यों होता है? राइबोसोम्स तो होते नहीं है, साथ में उसमें क्या स्टोरेज होती है? लिपिड्स की, लिपिड्स की स्टोरेज। ये हमेशा याद रखना, स्मूथ चीज कब होती है? जब उसमें तेल लगाओ, ऑयल हो, ठीक है, दैट इज वाई इसमें लिपिड्स का मैन्युफैक्चर या फिर स्टोरेज होता है, ठीक है। हाँ बोल क्या स्टोर नहीं होता, ब्लड स्ट्रीम में घूम जाता है, पूरी पूरे ब्लड स्ट्रीम पे जाता है वो। नहीं, सारे सेल्स पे, क्योंकि पूरे बॉडी में फैलेगा, सारे सोमेटिक सेल्स के पास जाएगा ये जितने भी हैं। ब्लड कहाँ नहीं है तुम्हारे, पहले ये बताओ कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? किडनी के अंदर ब्लड नहीं है तेरे? क्या भरा है? यूरिन सारी? हे भगवान, क्या मत देना भाई किसी से। क्यों लग रहा है तुझे किडनी के अंदर ब्लड नहीं होता होगा? कुछ तो रीजन होगा, हर जगह होता है। नाइस, नेल्स में नहीं होता, बालों में नहीं होता, नाइस, टीथ में नहीं होता। ये नेल्स टीथ बोन के पार्ट हैं। अरे कहां से क्वेश्चन लाता है ऐसे ऐसे? चलो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी अपार्टस, गॉल्जी अपार्टस क्या काम करता है? सारे यूकेरियोट्स में होता है ये, ठीक है। इसका काम क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन, पहले तो इसमें बताया कि दिखता कैसा है वो, ठीक है। फ्लूइड भरा होता है, जो भी तुम्हारा यहाँ पे आर ई आर मैन्युफैक्चर हुआ है, जो कुछ भी ई आर मैन्युफैक्चर हुआ है, वो सारा कहाँ पे आके स्टोर होता है? गॉल्जी में आके स्टोर होता है, ठीक है। ये गॉल्जी अपार्टस एक तरीके से क्या है? इट इज द स्टोरेज एंड वेयर हाउस है ये वहाँ का, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे स्टोर होता है। इट इज नोन एज द पैकेजिंग डिस्पैचिंग यूनिट, एमेजोन की डिस्पैचिंग यूनिट है ये, जहाँ पे सारा कुछ आ गया और फिर वहां से तुम लोगों के घर भेजा जाएगा, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइजोसोम्स भी यहीं से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, गॉल्जी अपार्टस से। चलो ठीक, आगे राइबोसोम्स। राइबोसोम सबको पता है क्या होते हैं, ये कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकेरियोट प्रोकेरियोट, दोनों में होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स तो चाहिए, ये बताया था राइबोसोम्स। लेकिन प्रॉपरली किसमें डिफाइंड है? हमारे यूकेरियोट्स में अच्छे से डिफाइंड है, दे आर वेल मेंटेन्ड। बस फर्क क्या है, प्रोकेरियोट्स में वो लोग इधर उधर फैले हुए हैं, एक जगह पे नहीं है। राइबोसोम और कैसे हैं? स्मॉलर इन साइज हैं, ठीक है, स्मॉलर हैं। राइबोसोम्स आर डेंस स्फेरिकल ग्रैनुलर, ये सब यहाँ पता है कैसे होते हैं, बस ये बताया है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये ना ऐसे वाले नाम याद रख लेना, सुसाइडल बैग्स, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सारी चीजें याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि किसको सुसाइड बैग बोला जाता है। और ये भी आएगा, अगर ये नहीं पूछा तो ये आ सकता है कि व्हाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, तो उसमें लिखना है आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया देखो कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, व्हाट इज एटीपी, इट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एक्चुअली आपकी बॉडी में ऑलरेडी किस फॉर्म में होती है आपकी एनर्जी? एनर्जी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, ये मैंने बताया भी था उस टाइम पे, एडीपी इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट के दो ग्रुप्स के साथ होती है, ठीक है, दिस इज डाइफॉस्फेट। एंड व्हेन यू इनटेक द खाना, इनटेक फूड, व्हेन यू इनटेक फूड, यानी कि इसमें क्या आया आपका, ग्लूकोज आया साथ में, ठीक है, उस टाइम पे इट कन्वर्ट्स इनटू एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पे कन्वर्ट होती है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसी फॉर्म में स्टोर रहती है, फिर उसके बाद जब कभी आप भागे दौड़े आपको एनर्जी की जरूरत हुई तो फिर ये दोबारा टूटती है इन द
दिस फॉर्म, यानी कि ये प्रोसेस आपकी साइकिल चलती रहती है। पहले ये इन दोनों को मिलकर ये बनता है, फिर इन दोनों से ये टूटता है, ठीक है, ये चलता ही रहता है। समझ में आई ये चीज? एटीपी एंड एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। ये क्वेश्चन तुम लोगों का आता भी है कि कौन से ऑर्गेनल्स आर देयर हु हैव देयर ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो पावर हाउस खुद ही है, ऐसे याद कर लेना कि वो खुद का एक पावर हाउस है, वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया, वो अपने राइबोसोम्स और डीएनए खुद लेके चलता है, ठीक है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। चलो सो दे आर रिगार्डेड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, ठीक है, वो कोई नहीं, ये भी हाँ पूछ सकते हैं, वॉट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, तो याद रखना राइबोसोम्स ही है, यही है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। लाइसोसोम्स सबसे अजीबो गरीब लीव्स है, प्लांट है, किचन ऑफ द प्लांट इज दिस लीव्स, किचन ऑफ द सेल नहीं है, लेकिन सारा चीज एक तरीके से कह सकते हो। वो प्लांट का पूछा था, किचन ऑफ द प्लांट ये था। चलो लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग है, दे आर डार्क स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन, या डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन पूछ लेते हैं कभी, दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री बाउंड सैक्स, सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर, खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो कि इनको लगे कि गड़बड़ है सेल के अंदर, उसको लेके ये फूट फट जाते हैं, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मटीरियल्स, ठीक है। लाइसोसोम्स कहाँ फॉर्म होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, मोस्टली इन एनिमल सेल्स, ये चीज ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इंट्रासेलुलर, मतलब कि सेल के अंदर के ही डाइजेशन के काम का आता है, ये सेल के अंदर ही डाइजेशन करता है ये खुद का। ड्यूरिंग स्टार्वेशन और एजिंग द सेल्स डाइजेस्ट इट्स ओन ऑर्गेनेल्स थ्रू लाइसोम एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स मतलब कि जब सेल खत्म होने की कगार पे आता है, अब मरने वाला है सेल, तो उस टाइम पे लाइसोसोम्स उसको अपने ही खुद के अंदर एंजाइम्स को रिलीज करता है और उस सेल को लेके बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। Lysosomes helps to keep the cell clean. Of course, clean रखने का काम आता है ये, by digesting any foreign material as well as the worn out cell organelle. कुछ भी body में खराब हुआ है, आपका कोई भी सेल खराब चल रहा है, तो सबसे पहले ये काम आपका लाइसोसोम ठीक कर देता है, ठीक है। आपके टाइम पे, इस टाइम जब पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने आपको कैंसर वाला एक प्रोसेस भी बताया था कि इनकेस इफ यू डू नॉट ईट फूड फॉर 11 days, 11 दिन तक अगर आप खाना और पानी ना लो, तो लाइसोसोम्स आपके बॉडी के सारे कैंसर सेल्स को मार देगा उतने दिनों तक, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं, इतना भी कर लोगे तो भी वो कर देता है इतना काम। When a cell is destined to die, the lysosome enzymes digest the whole cell, a process called autolysis. ये याद रखना, lysosome का इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, autolysis, to digest its own cell. अपना ही सेल जब वो खा जाता है, खत्म कर लेता है, तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, autolysis चल रहा है उसके। हाँ, कह सकते हो। ऑटोलाइसिस में क्या हो रहा है, वो सेल खत्म हो रहा है, और वहां पे बायोजेनेसिस में क्या होता है, सेल का जो भी टूट फूट गया है, रिपेयरिंग चलती है वहां पे, ठीक है, सेल की रिपेयरिंग होती है वहां पे। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, ठीक, ये हो गया। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स भाई हम पे प्रेजेंट नहीं होते, ये किसके पार्ट है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल्स, तो हमें क्या लेना देना, प्लांट्स पढ़े हैं इसके बारे में, चलो पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट, ये भी हम पे नहीं होता, प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट हमें हमारे सेल्स में नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। दे आर स्फेरिकल और ये शेप उनकी दी हुई है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, ये याद रखना, ग्राना एंड स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं ये, उनके ग्राना एंड स्ट्रोमा, ठीक है, किसके नाम है ये, प्लास्टिड्स के हैं। ग्राना क्या है आपके, दीज आर द स्टैक्स, यानी कि ऐसे ऐसे करके फॉर्म है, ऐसे ऐसे ये ग्राना है, ठीक है, इस डिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये। फ्लैट एंड डिस्कॉइड सैक्स कंटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, दे हैव द क्लोरोफिल्स इन इट, ठीक है। स्ट्रोमा क्या है, इट इज अ होमोजेनस मैट्रिक्स इन विच ग्राना आर एम्बेडेड, अब इसके अंदर ये रहा स्ट्रोमा, जिसके अंदर ये ग्राना प्रेजेंट है, दैट इज द स्ट्रोमा, ठीक है, कंटेनर है ये उसका। प्लास्टिड्स कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इनके भी अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं प्लास्टिड्स के।
अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वी ओनली हैव माइटोकॉन्ड्रिया जिसके खुद का डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए एंड राइबोसोम जिसका खुद का होता है, दैट इज ओनली माइटोकॉन्ड्रिया इन दी एनिमल सेल, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी का ओवरऑल पूछे कोई, तो आप लोगों को फिर प्लास्टिड भी वहां पे लिख सकते हो आप। डबल मेम्ब्रेन किसमें? प्लास्टिड में डबल मेम्ब्रेन नहीं होते इसमें, कि होते हैं लिखा है, होता है यार। तुम्हारा सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम ही है, सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन था, कैसा था? एक मिनट, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइसोसोम तुम्हारे सिंगल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। राइबोसोम से कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। गोल्जी, गोल्जी भी डबल मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ही है ये पूरा पूरा, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है पूरा, कंप्लीटली मेम्ब्रेन ही है ये। ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। लाइसोसोम तुम्हारा सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लास्टिड्स कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ थे? हाँ, क्लोरोप्लास्ट के भी खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। दे आर ऑल्सो सेल्फ, लाइट चली गई क्या? डीएनए एंड राइबोसोम्स दे हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, दे आर ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। प्लास्टिड्स का काम क्या है? कलर। प्लास्टिड्स का काम है कलर प्रोवाइड करना, प्लांट को कलर प्रोवाइड करना काम है प्लास्टिड्स का। ग्रीन कलर तो प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल, ठीक है, और जो बाकी के जो फ्लावर का कलर होता है वो सारे कलर्स कौन प्रोवाइड करता है? प्लास्टिड्स करते हैं। हाँ, चल सो नहीं रहा, याद है ये क्या हो गया? एक तो आधा टाइम तो इसका यही सब निकल करने में हो जाता है। देख के बोला है, मैं भी खुश हो रही। ये रहा? नहीं, ये रहा? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर भी करता है ना, तो स्टार्ट करते हैं, निकालता है। अच्छा चल ठीक है। चलो लिखा था, रुक। ये रहे, किचन ऑफ द सेल कौन पूछ रहा था? अद्वित, अद्वित किचन ऑफ द सेल्स तुम्हारा सिर्फ प्लांट में ही है। क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल, ठीक है, प्लांट का है, ठीक है, किचन ऑफ द सेल। और अगर किचन ऑफ द प्लांट पूछे तो लीव्स, ठीक है, किचन ऑफ द सेल है तो क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये दोनों ही चीजें सिर्फ प्लांट के लिए अवेलेबल है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च प्रोटीन लिपिड, लिखा ये रहा, ठीक है। चलो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को। ये चीज याद रख लेना तीनों को, ठीक है, तीनों के फंक्शंस याद कर लेना तुम लोग। और ये मैंने पूरा पूरा तुम्हारे कहाँ पे चैट पे डाला हुआ है, ऑलरेडी चैट पे है तुम्हारे पास ये सारा कुछ है। क्या चीज? ये पूरा तुम्हारे पास है, ये चैट पे है, ये प्रिंट? नहीं नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, वो कुछ और है, इतना सारा कौन प्रिंट देगा। वैक्यूल्स पता है ना, एनिमल में कैसा होता है वैक्यूल? स्मॉल होता है और प्लांट में बिगर होता है। रीजन, क्योंकि इसको ज्यादा वेस्टेज स्टोर करना पड़ता है उसका, ठीक है, इस वजह से। तो वैक्यूल्स आर स्मॉल इन एनिमल सेल्स एंड लार्जर इन प्लांट सेल्स। वैक्यूल्स आर फिल्ड इन सेल सैप विद अ वाटरी सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या क्या होता है ये लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें? शुगर, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। वैक्यूल्स का काम क्या क्या है? ये रहा, ठीक है।
सो न्यूक्लियस पहले ये इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियस देख लो एक बार फिर पढ़ लो, रीड आउट करो इसको। आप न्यू स्टूडेंट चैट सेक्शन पे ही पूरी नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, हैं ऑलरेडी, दिखाई दे जाएंगे तो ठीक है, नहीं दिखाई देंगे तो बताना, तुम्हें वापस भेज देंगे एक बार, ठीक है भाई। बैक पैक मत करो, देखो जल्दी। अगर प्रोसेस के पांच क्या दोबारा बोल, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म करते हैं ये। व्हाट आर न्यूक्लियर एनवेलप में क्या क्या होते हैं, दे हैव द न्यूक्लियर पोर्स विद लिक्विड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस का द न्यूक्लियोपोर्स अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटीरियल, ऑफकोर्स पोर्स क्या अलाउ करेंगे, ट्रांसफर ऑफ मटीरियल अलाउ करेंगे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह अलाउ करता है ये। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स अ क्रोमेटिन मटीरियल जो कि आपकी जेनेटिक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है, डीएनए इसी के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। व्हाट इज न्यूक्लियोलस, द न्यूक्लियस मे बी वन और मोर नंबर, मेम्ब्रेन नहीं होते इसमें, देयर इज नो मेम्ब्रेन इन इट, इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, श्लोक इतना खुश हो रहा है। इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, राइबोसोम भी यहाँ पे बनता है, तो यानी कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला एक पॉइंट आया, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स राइबोसोम्स, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, क्या कर दूं, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, इट कंटेन्स योर डीएनए, जीन्स, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी यूनिट्स। व्हाट इज अ हेरिडिटी यूनिट, जीन्स आर कॉल्ड द हेरिडिटी यूनिट्स, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म, स्पेलिंग आती है, ठीक है, डीएनए स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर यू, जो भी आपकी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो सारी ये डीएनए अपने अंदर कंसिस्ट करता है। अच्छा आप किसी पेपर का भी तुम लोगों के भी बताओ, चैप्टर तो हो गया, मतलब ये कैसे पेपर है, तुम लोग वो वाले हैं ना, ये नॉर्मल जो पीटी वीटी होती है ऐसे वाले, हाफ ईयरली वगैरह का तो कोई अभी तक सिलेबस नहीं बताया किसी ने, यही तो होंगे जो होंगे तो यही लगे, क्या नहीं मिला, नेचुरल रिसोर्सेज है, हाँ, व्हाई डू वी फॉलो, एक अच्छा चैप्टर था वो हट गया तुम लोगों का, डायवर्सिटी दो साल से हटा हुआ है, क्या ही है, तुम लोगों के मैथ्स में भी अच्छे अच्छे चैप्टर हटा दिए हैं, बेकार बेकार से डाल दिए हैं, यूक्लिड आ गया वापस, यूक्लिड यूक्लिड लेमा करके एक है, हाँ एग्जाम पोस्टुलेट, हमें भी नहीं पता एक्चुअली, वो इतना बेकार चैप्टर है कि पढ़ाने का भी मन नहीं करता। तो चलो ये चैप्टर हो गया है, एक क्लास में टिश्यूज इस तरह खत्म कर देंगे, ठीक है, टिश्यूज के डाउट्स लेकर आना, किसी को भी कोई भी डाउट होगा अगली क्लास में, इवन इस चैप्टर का भी किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना, क्लास में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है, चलो वेलकम, बाय बाय। एक सेकंड क्लास ओवर कर, हां।
हाँ।